a very warm welcome to all and friends, जैसे कि मैं अभी सभी zodiac sign की जो है reading कर रही हूँ. So आज मैं reading करने जा रही हूँ हमारे जो fire sign होते हैं, Aries, Leo and Sagittarius, and it's reading about the Aries. यहाँ पर मैंने तीन कार्ड लिए हैं. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है पर्सनल लाइफ में, और ये आपका चैलेंज है, और ये आपको गॉड की तरफ से एडवाइस है. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल लाइफ, देन आई विल टेक द कार्ड्स फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ. सो एरीज, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वॉन्ड्स हैं एंड पेंटिकल्स हैं. सो वॉन्ड्स इज़ अ सिंबल फॉर द फायर एनर्जी विच इज़ एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. एंड यहाँ पेंटिकल्स हैं तो यहाँ पे अर्थ एनर्जी भी आ रही है. हमारे जो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज सेज दैट कि आप लोग जो है यहाँ पर काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं. अपनी रिलेशनशिप को आप जो है वो, अगर आप अभी सेपरेशन में हैं, आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, या आपकी बातचीत अभी नहीं हो रही है, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को एक आगे नेक्स्ट मोड़ देना चाहते हैं, नेक्स्ट मूव आप लेना चाहते हैं इसमें. यू वांट टू टेक अ स्टेप एंड आप उस रिलेशनशिप को जो है वो प्रोसीड करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि आपने जो इतनी मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, चाहे अभी आपका कोई सेपरेशन चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट जोन है या इस तरह की कोई सिचुएशन है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि उसमें एक जो है एक पॉजिटिविटी आए, और आप उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में आप जो है वो फॉरवर्ड करना चाहते हैं. तो यहाँ पर आप मुझे मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में. मे भी हो सकता है कि आप पहले, या तो आप पहले मेहनत नहीं करना चाहते थे लेकिन अब आप करना चाहते हैं, और आप यहाँ पर काफ़ी सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. सी, बिकॉज दिस, यहाँ पर काफ़ी सारे पेंटिकल्स हैं लेकिन ये पर्सन फिर भी खुश नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरनली खुश नहीं हैं, क्योंकि रिलेशन जो है वो शायद सही तरीके से नहीं चल रहा है. लेकिन यहाँ पर जो आपका जो चैलेंज है, मैंने फर्स्ट ओवरऑल एनर्जी ली है, दूसरा चैलेंज और थर्ड आपकी एडवाइस. सो यहाँ पर ओवरऑल चैलेंज जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ पीपल. सो यहाँ पे जो है एक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आप लोगों के बीच में. मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग जो हैं बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आपका रिलेशन जो है यहाँ ख़राब हुआ है, और हो सकता है या फिर आपस में आप लोगों के काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं. सो आपका चैलेंज ये है कि आपको जो है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना है, इन जो बाहरी लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं और आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि वो कौन लोग हैं या किस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप में आ रही है, तो आप उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं. इट्स योर चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास द सन का कार्ड है. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड. सो आपको गॉड बताना चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग जो है वो ज़रूर होगी. सो लेकिन आपका चैलेंज यही है कि आपको इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, ये जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो बाहर के लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, या आपके आर्गुमेंट्स हुए थे, या आपकी कोई बहसबाजी हुई थी आपके पार्टनर से, तो आपको उस चीज़ को, उस एनर्जी को जो है दूर करना है. आपको उस चीज़ को भुला के एक आगे न्यू पॉजिटिव स्टेप लेना है. ठीक है फ्रेंड्स, सो ये थी आप लोगों की पर्सनल लाइफ की रीडिंग अबाउट द एरीज. सो अभी मैं यहाँ प्रोफेशनली चेक करूँगी कि व्हाट इज़ एनर्जीज फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ अबाउट द एरीज. सो यहाँ पर वॉन्ट्स की एनर्जी है, यानी कि फायर एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस.
यहाँ पे एरीज वालों का जोडियक साइन भी आ रहा है, ये देखिए एरीज इज अ कन्फर्मेशन, एरीज एम्परर जो होते हैं वो एरीज जोडियक साइन को शो करते हैं। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कार्ड जो लिया आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल एनर्जी, व्हाट इज ओवरऑल एनर्जी एंड इट इज़ योर चैलेंज एंड ये आपकी एडवाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि शायद आप कोई न्यू जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई न्यू बिजनेस या कोई न्यू प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मे बी हो सकता है कि पहले आपकी उस विषय में कोई बातचीत किसी से नहीं हो पा रही थी, आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, कोई आपको मैसेज नहीं मिल रहा था, या आपको कोई आपका कोई प्रोजेक्ट था ऐसा जो कि स्टक हो रखा था ड्यू टू कोरोना भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन बिटवीन कोरोना। सो इसलिए अभी जो है आपकी एनर्जी वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज आने वाला है या फिर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, अबाउट योर जॉब प्रोजेक्ट और यू इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। सो और चैलेंज आपका ये है कि आपको वो जो जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी जॉब है, उसको आपको एक बहुत ही फोकस्ड वे में और एक मैच्योरिटी लेवल के साथ आपको लेना है। आपको मतलब उस चीज़ को काफ़ी सोच के समझ के उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। यही आपका चैलेंज है कि यू हैव टू टेक अ स्टेप बाय द मैच्योरिटी लेवल। ओके एंड हेयर इज़ एडवाइस फ्रॉम द गॉड द स्टार। द स्टार मीन्स न्यू बिगनिंग। तो आपके लिए जो है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही सुंदर कार्ड आया है एरीज वाल, एरीज जोडियक साइन। सो ये आपको जो है गॉड के द्वारा एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप इस तरह से चीज़ों को मैच्योरिटी लेवल के साथ लेते हैं तो आपके लिए न्यू बिगनिंग अवश्य आ रही है, क्योंकि यहाँ पर द स्टार है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी मेरी रीडिंग फॉर अवर एरीज जोडियक साइन पर्सनल एंड प्रोफेशनल। सो मेरी फ्री रीडिंग्स आर गोइंग ऑन, सो कीप वॉचिंग एंड कीप विनिंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स फ्रेंड्स, अब जो है मैं यहाँ पर फायर साइन जो हमारे हैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ। तो अभी ये जो रीडिंग है ये लियो के लिए है फॉर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो लियो के ये ओवरऑल एनर्जी है, ये चैलेंज है एंड इट इज़ एडवाइस फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद योर ओवरऑल एनर्जी। इट्स अ टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सही चल रहा है और आप अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं और आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी लॉयल है। यहाँ पर डॉग्स हैं, डॉग्स काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, लॉयल होते हैं एंड ब्यूटीफुल कपल्स हैं एंड लॉट्स ऑफ पेंटिकल्स। सो हियर इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। यू आर अबंडेंट एंड यू आर हैप्पी इन योर मैरिज लाइफ। एंड अगर आप हैप्पी अगर आप अनमैरिड हैं एंड यू आर इन रिलेशन विद रिलेशनशिप विद समवन, सो आप ये सोच रहे हैं कि आप किस तरह से इस रिलेशनशिप को सही तरीके से प्रोसीड करें ताकि आप एक हैप्पी फैमिली क्रिएट कर सकें अपने पार्टनर के साथ। और आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बिकॉज हेयर इज़ अ पेंटिकल्स। तो आप उस रिलेशनशिप के लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू वॉन्ट टू टेक अ स्टेप इन अ पॉजिटिव वे टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ विद योर अपकमिंग पार्टनर। और यहाँ पर जो है आपका चैलेंज जो है फ्रेंड्स ये है किंग ऑफ सोर्स। सो किंग ऑफ सोर्स मुझे यहाँ ये एयर एनर्जी आ रही है यहाँ पे भी। सो किंग ऑफ सोर्स जो है वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि यू आर अ बिट ईगोइस्टिक। आपके अंदर थोड़ी ईगो वाली एनर्जी है या फिर आप बहुत ज़्यादा ब्लंटली बोल रहे हैं अपने पार्टनर को, काफ़ी ज़्यादा आप ब्लंटली बोलते हैं और सम टाइम दीज थिंग्स आर हर्ट
टू योर पार्टनर। सो फ्रेंड्स, आपको जो है इस तरह की एनर्जी को रिमूव करना है, थोड़ा अपने ईगो को डाउन कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, न्यूट्रल एनर्जी में रहिए, एंड जो है आप अपनी ईगो को जो है थोड़ा साइड में रखिए और अपनी रिलेशनशिप को और भी ब्यूटीफुल बनाइए। सो फ्रेंड्स, आपको जो है अपनी इस तरह की जो एनर्जी है, एक ब्लंटली बोलने की या एक ईगो में रहने की कि मैं पहले बात क्यों करूं, सामने वाला ही बात करे, सामने वाला ही झुके। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है, अगर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम दीज डेज। सो फ्रेंड्स, आपको करना यही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमेशा आपका पार्टनर ही झुके या आप उसको कंट्रोल करते रहें। सो इस तरह से करने से कोई भी रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव वे में नहीं चल सकती है। तो आपको जो है अपनी ईगो को थोड़ा डाउन करना है और एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए आपको जो है अपनी चीज़ों को सही तरीके से करना है। यही आपका चैलेंज है। ओके फ्रेंड्स, तो एम्परर्स, द एम्परर्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और वो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देखते हैं। अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हैं, आप मेल हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ब्यूटीफुल है और यहाँ पीछे इसके सूरज है, तो यानी कि उसके ऊपर कुछ भगवान का आशीर्वाद है। यहाँ पर ओम भी लिखा हुआ है। सो उसके ऊपर आपको लगता है कोई डिवाइन की एनर्जी है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अपने आप को काफ़ी ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे और ईश्वर भी आपको यही बता रहे हैं कि आपको एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है, आपको एक मदरली एनर्जी में रहना है, यानी कि आपको हैप्पी रहना है, मदरली एनर्जी में रहना है, तभी आप इस ईगो को कम करके अपनी हैप्पी लाइफ बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये थी आपकी पर्सनल रीडिंग लियो वालों के लिए। अभी लेट्स चेक अबाउट योर प्रोफेशनल। ओके, सो यहाँ पर मेरे को पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, यानी अर्थ साइन की, हमारे जो टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स होते हैं। सो यहाँ पे कप्स की भी एनर्जी है, थोड़ी वाटर एनर्जी भी है यहाँ पर। सो हमारे जो है कैंसर, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। सो यहाँ पे मैं लियो की बात कर रही हूँ, अभी प्रोफेशनल लाइफ की ओवरऑल एनर्जी एंड योर चैलेंज एंड योर एडवाइस फ्रॉम द गॉड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर ओवरऑल एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज मीन्स इज अ मैसेज। पेज जो होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई मैसेज देने के लिए आते हैं आपको। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे, और यहाँ पर इनके हाथ में एक पेंटिकल भी है, सो मे भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर कोई जॉब शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए जो है अवेलेबल है अभी इस टाइम पे, उनको मिलने वाला है। बिकॉज हियर इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई ऑफर आपको मिलने वाला है जल्दी ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, और आपको थोड़ा इसको, उस जो आपका ऑफर आ रहा है उसको थोड़ा मेच्योर वे में लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पेजेस आर सम काइंड ऑफ इमेच्योर एनर्जी। सो यहाँ पर आपका जो चैलेंज है, यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स हैं, यानी कि आप काफ़ी सैड हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, एंड हेयर भी कप हैं, इधर भी कप हैं, लेकिन वो बंदा जो है, पर्सन जो है, वो देख नहीं रहा है, डाउन उसका हेड है। सो ही डोंट वांट टू सी द थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। सो ये आपका चैलेंज है कि आपको चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोचना है। पहले जो हो गया उनको भूल जाइए, लेकिन अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखते हुए आपको आगे प्रोसीड करना है, एंड आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज हेयर इज द सन, द सन मीन्स न्यू बिगनिंग, इट्स अ वेरी सुपर कार्ड इन अवर टैरो रीडिंग। और आपके लिए जो है गॉड की तरफ से एडवाइस है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ न्यू बिगनिंग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होने वाली है। सो बी पॉजिटिव, एंड आपका चैलेंज है आपको इस स्ट्रेस को, इस नेगेटिव एनर्जी को जो है वो छोड़ना है, ताकि आप अपने इस प्रोजेक्ट को हासिल कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये थी हमारी रीडिंग फॉर आवर आवर साइन
लियो। सो जो है आप फ्री रीडिंग्स के बारे में पता है नहीं पता है, तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द फ्री रीडिंग्स आर गोइंग ऑन, कीप वॉचिंग एंड कीप विनिंग। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।